मैं आप सबकी महनीय उपस्थिति में एक बहुत ही वंदनीय व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं, एक यशस्वी, एक तपस्वी और एक मनस्वी व्यक्तित्व इस मंच पर हैं। आपके लिए गर्व की बात है कि इस संस्थान में आप बतौर डायरेक्टर हैं। हमारे लिए गर्व की बात है आज कवियों की फहरिस्त में आप एक कवि रूप में हैं, और कवि रूप में श्री अरुण भटनागर जी, पूरी दुनिया में उन्हें प्रसिद्धि मिली। मैंने उनके ऑस्ट्रेलिया में उनकी अखबारों में कविताएं पढ़ी, कई बार देखा उन्हें, और मैं आज आमंत्रित करता हूं उन्हें। कई बार उन्हें रचनाओं के लिए देश में बुलाया गया। एक विशेष रचना के लिए मैं उनसे उम्मीद करता हूं, जो उन्होंने केदारनाथ त्रासदी पर लिखी थी, शिव से संवाद किया था। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों। राजगोपाल जी बड़े कवि, उन्होंने कहा कि शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा। मैं भी दरिया हूं मगर सागर मेरी मंजिल नहीं, मैं भी सागर में मिला तो मेरा क्या रह जाएगा। ईश्वर से संवाद करता हुआ कवि किस हद तक गुजरता है, उस एहसास को उनके शब्दों में आप स्वयं से सुनिए। बहुत ही मन के साथ आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आपके अपने हैं, हम कवियों के अलावा आपका ज्यादा अधिकार है उन पर। श्री अरुण भटनागर जी एक कवि रूप में आ रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अनुरोध करता हूं वैसे ही घनघोर तालियों से बुलाइए समूचे सदन से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित राष्ट्रीय कवियों को, यहां पे सभी सम्मानित अतिथियों को और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, ये कविता मैंने उस समय लिखी जब केदारनाथ में एक ट्रेजेडी हुई, हजारों लोग बह गए। एक मेरा प्रिय अपने दो बच्चों के साथ अब उसकी पत्नी के सामने बह गया। तो मैंने शिव से पूछा, उस भोले से पूछा, इस उज्जैन के महाकाल से पूछा कि ऐसा क्यों। तो वही कविता आपके सामने प्रस्तुत है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैसी थी ये तेरी अनासक्ति, या थी ये तेरी उपेक्षा, या था ये तेरा क्रोध, पर क्यों क्यों कर ऐसा हुआ, क्यों बिछड़ गए लोग जिनका कोई अपराध ना था। थी केवल गहन श्रद्धा तेरे प्रति, आराधना तेरे प्रति, समर्पण तेरे प्रति। क्या बात है सर। फिर क्यों हुआ तू ऐसा निष्ठुर निर्मम विरक्त सा, फिर क्यों हुआ तू ऐसा निष्ठुर निर्मम विरक्त सा, उनसे जो थे निरीह प्रेमी जन तेरे। याद करिए उस त्रासदी को, भक्त तेरे बहते रहे, जय घोष भी करते रहे, चिपटे रहे वो तुझसे तेरे नाम से। लोग शिवलिंग से चिपट गए थे, चिपटे रहे वो तुझसे तेरे नाम से, और तू बेबसा देखता ही रहा, देखता ही रहा। नहीं समझ पा रहा है तू, है ये तेरे अस्तित्व पे प्रश्न। क्या बात है। तेरी मान्यता पर प्रश्न, तेरी करुणा पर प्रश्न। क्या बात है। तेरे सामर्थ्य पर प्रश्न। देना होगा तुझे उत्तर तेरे इस मौन का, तेरी उदासीनता का, तेरी कर्महीनता का। क्यों नहीं किया तूने न्याय, और अगर है ये तेरा प्रतिशोध तो किन से। क्या बात है। और अगर है ये तेरा प्रतिशोध तो किन से, जो जिम्मेदार नहीं व्यवस्था में, जिनकी भूमिका नहीं, और जो जिम्मेदार थी वो सत्ता तो घूम रही थी, घड़ियाली आंसू लेकर लिए, और जो जिम्मेदार थी वो सत्ता तो घूम रही थी, घड़ियाली आंसू लिए, भविष्य के दावे लिए। तभी तभी सुनाई पड़ा मुझे उसका क्षीण सा उत्तर, तभी सुनाई पड़ा मुझे उसका क्षीण सा उत्तर। मैं सदन का ध्यान चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुने। तभी सुनाई पड़ा मुझे उसका क्षीण सा उत्तर, झकझोर दिया जिसने मौन कर दिया मुझको। अब उनकी बारी है, उस महाशिव की बारी है, उस परम शिव की बारी है, उस देवाधिदेव की बारी है। उनका उत्तर, मैं भी तो मरा हूं तुम सबके साथ, हर व्यक्ति में तो मैं हूं,
मैं भी तो मरा हूं तुम सबके साथ। अरुण जी कमाल की पंक्ति है, एक बार ये सदन तालियां दे, विचार की बात कही है और बहुत ही अच्छा विचार लेकर आए। मैं भी तो मरा हूं तुम सबके साथ, मैंने भी झेली है ये यातना ये त्रासदी, कभी यहां कभी वहां तुम सबके साथ। अब सुनिएगा ध्यान से, नहीं है मेरा कोई दोष, नहीं है मेरा कोई दोष, है ये प्रकृति का प्रतिशोध जो है मूल जननी हम सबकी। वाह, यह है प्रकृति का प्रतिशोध जो है मूल जननी हम सबकी, जिसके आगे मैं भी बेबस हूं, जो है शोषण की शिकार, जिसके हो तुम सब जिम्मेदार सत्ता के साथ साथ। बहुत अच्छे, जिसके हो तुम सब जिम्मेदार सत्ता के साथ साथ, कभी यहां कभी वहां, कभी तीर्थों में कभी शहरों में कभी गांवों में कभी अपनी गलियों में, शोषण किया उसी का, पोषित किया जिसने, रोजाना हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे, शोषण किया उसी का, पोषित किया जिसने, रौंदा उसी को अपने स्वार्थ हेतु, राजनीति हेतु, लालसा हेतु, लोभ हेतु, उसी का है ये विद्रोह। देखिए चेतावनी दे रहा हूं मैं, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा बहुत सारी वार्मिंग होने वाली है, भूगर्भ का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है इंदौर का। मैंने आवाज उठाई थी कि यहाँ पर रोजाना वाटर लेवल नीचे हो रहा है, कुछ करिए, ऐसा ना हो कि ये नगर भी वो नगर बन जाए जहां पानी ना रहे। शोषण किया उसी का, पोषित किया जिसने, दोहन किया उसी का, उसी का है ये विद्रोह। एक चेतावनी कि बस बहुत हो चुका, अब बस बहुत हो चुका। अब एक और पंक्ति और, जो एक बात तुझसे कहनी है, अभी चुप नहीं हुए भोले, और जो एक बात तुझसे कहनी है, बहुत ध्यान से सुनेगा, आप सबका बहुत ध्यान चाहूंगा। आज जो कुछ हो रहा है पूरे विश्व में, उसका समाधान इसमें निहित है। बहुत अच्छे अरुण जी, उसका समाधान इसमें निहित है। और जो एक बात तुझसे कहनी है, वह है मेरे और तेरे बीच। गजब है, गजब। वो है मेरे और तेरे बीच, नहीं समझ पाया अब तक तू मेरे मूल स्वरूप को, नहीं समझ पाया अब तक तू मेरे मूल स्वरूप को, जो है नितांत अक्षुण अकुलशित, जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से तेरे ही अंतर मन में। वाह, जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से तेरे ही अंतर मन में, एक ज्योति पुंज सा, निर्गुण निर्विकार निराकार, निर्गुण निर्विकार निराकार, स्रोत वही है उद्गम वही है सच्चिदानंद ब्रह्म का, स्रोत जड़ा हुआ अभिन्न रूप से तेरे ही अंतर मन में, एक ज्योति पुंज सा, निर्गुण निर्विकार निराकार, स्रोत वही है उद्गम वही है सच्चिदानंद ब्रह्म का। बहुत अच्छे। वहीं मिलेगी सुख और शांति, वहीं मिलेगी सुख और शांति, खोज रहा तू जिसको हर क्षण हर पल, कभी यहां कभी वहां, जन जन से। केवल चार लाइनों का परिचय मैं दे रहा हूं, मेरा परिचय लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं यही बोल देता हूं, विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूं। आई एम फॉलोअर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी विच इज बेस्ड ऑन साइंस। विज्ञान जनित अध्यात्मवाद का संसाधक हूं, रचयिता के मूल रूप का आराधक हूं, संत कबीर के संदेशों का संवाहक हूं, जीवन के शाश्वत मूल्यों का निर्वाहक हूं। बहुत ही बढ़िया, वाह वाह वाह।